आज हमारे साथ मियाँ इमरान साहब हैं, जिन्होंने मुझे कंस्ट्रक्शन और ये लग्जरी हाउसेज की इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस भी कराया माशाल्लाह से, और इनके अपने प्रोजेक्ट इंतहाई लग्जरी होते हैं। तो आज इनके घर में हम आए हैं और इनका घर देखने आए हैं माशाल्लाह से, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट बनाया है इन्होंने, तो आपको भी चल के दिखाते हैं। वी आर इन द हाउस, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एस्पायरिंग होम्स। मेरा नाम मोहम्मद हसन और आज मेरे साथ मियाँ इमरान साहब हैं। आपको इंट्रोडक्शन तो हम करा ही चुके हैं, तो ये हैं जी द मैन द लेजेंड मियाँ इमरान साहब। खुद ही आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं हमारे ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मियाँ इमरान, माई होम्स मियाँ इमरान। तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द लाइन हम घर बनाते हैं, तो 25 साल का हमारा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। तो हमारा घर ब्रांडेड होता है, आपने पहले भी ऑलरेडी देखा है और नेक्स्ट इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह ये इसकी वीडियो देखें सब। डन सर, मैं अब आपका घर इंशाल्लाह विजिट कराता हूँ अपनी ऑडियंस को, आप बैठें। चलें जी, आपको चेक कराते हैं वन कनाल का मॉडर्न हाउस, जो कि इस वक्त DHA में इस लेवल का, इस स्टैंडर्ड का कोई भी घर नहीं मिलेगा। जो इसकी क्वालिटी है, जो इसके मटीरियल्स हैं, वो बहुत ही टॉप नॉच हैं। मैं माइक वापस प्लग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी ईजिली ऑडियो आ सके। तो ये है जी फ्रंट एलिवेशन, पोर्सेलेन ओसा की टाइल्स लगी हुई हैं, फुली टाइल कवर्ड एलिवेशन आप चेक कर सकते हैं। सॉलिड वुड एश वुड के डोर्स हैं और ऊपर आप अगर LED लाइट चेक करें तो स्टार लाइटिंग इफेक्ट दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का लाइटिंग इफेक्ट है। और यहाँ से आ जाता है इसका लॉन, इसके लॉन में बॉन्साई ट्रीज हैं, इसमें जो है वो गोल्डन पॉम लगा हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है ना इसमें लग्जरी स्टाइल के इसमें इन्होंने प्लांट्स भी दिए हैं और ग्रास की क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है। घर की जो विंडोज़ हैं फ्रंट पर, वो डबल ग्लेज लगाई गई हैं ताकि आपकी जो नॉइज़ है, जो आपका साउंड है, वो भी रुक सके और जो आपकी हीट है वो भी इंसुलेट हो सके। घर के अंदर चल के देखते हैं घर के अंदर किस तरह की चीज़ें लगाई हैं, आज लेट्स गो। और आप दरवाज़ा चेक कर सकते हैं, दरवाजे का हैंडल की हाइट देखिए और दरवाजे की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। चलें अंदर चलते हैं, लेट मी शो यू द हाउस, कम विद मी। घर के अंदर आते साथ ही जैसे आपको बाहर का एलिवेशन बहुत ही एलिगेंट है, यूनिक लगा, घर के अंदर आते साथ ही डबल हाइट लॉबी है जो कि आपको वेलकम करती है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पर जो है ना इन्होंने कटिंग दी है। और यहाँ से अगर आप चेक करें तो नीचे से ट्रिपल हाइट इसकी कटिंग बन जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग किस्म की टाइल्स हैं। नोवा पेंट है, आप देख सकते हैं वुडन इसकी जो है स्टेयर्स हैं और ऊपर एम्ब्रॉयडर का इसमें जो है वो ग्रेनाइट लगा हुआ है। डबल ग्लेज विंडोज़ हैं, यहाँ से आपको गैराज का व्यू नज़र आएगा अपना। ये आ जाता है इसका पाउडर रूम, पाउडर रूम की तरह चले तो पाउडर रूम भी अच्छे साइज़ का पाउडर रूम है, कोरियन वैनिटी है, एंगुलर वैनिटी है और कंसील्ड हार्डवेयर सिस्टम है, डिफॉगर भी है, स्मार्ट मिरर भी है, सारा कुछ इसमें लगा हुआ है। पीछे ब्लाइंड्स हैं और कोरियन का इसके जो है स्ट्रिप्स हैं, पीछे टेक्सचर टाइल्स हैं। विट्रा का इसमें जो है टॉयलेट एरिया है। तो अब चलते हैं जी इसकी ड्राइंग एंड डाइनिंग की तरफ, ड्राइंग एंड डाइनिंग आपको दिखाएं। नीचे इटालियन वुडन फ्लोरिंग है और जो डोर्स हैं वो इसके ग्लास के और सेमी वुडन एंड ग्लास डोर्स हैं। ग्रास क्लॉथ वॉलपेपर लगा हुआ है, ग्रास क्लॉथ वॉलपेपर हैंडमेड वॉलपेपर होता है, आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। हॉर्स की बड़ी खूबसूरत किस्म की पेंटिंग है। यहाँ पर आ जाती है इसकी फायरप्लेस और फायरप्लेस पे ग्रेनाइट है बहुत ही अमेजिंग कलर में, और यहाँ पर अगर आप चेक करें तो गोल्डन ब्रास में इसका जो है वो फायरप्लेस है। ऊपर कुछ डेकोर हैं, पिक्चर फ्रेम की जो सिलेक्शन है वो बहुत टॉप की गई है। यहाँ से LED प्रोफाइल जा रही है कुछ और COB लाइट्स हैं। यहाँ पर इन्होंने डिवीजन के लिए दो गोल्डन ये इन्होंने स्पेसर्स दे दिए हैं डिवीजन करने के लिए, और कुछ प्लांटर्स यहाँ पर बड़े एलिगेंट से पड़े हुए हैं। पीछे की जो वॉल है डाइनिंग की वॉल वो बहुत ज़बरदस्त है, आप सीलिंग भी चेक कर सकते हैं, आप डाइनिंग की वॉल भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपके गोल्ड लीफ में सारी पेंटिंग्स हैं। इसके जो स्विचेज़ हैं, अगर हम स्विचेज के क्लोजली आपको दिखाएँ, रिव्यू करें और आप चेक करेंगे, स्विचेज़ इसके किसी टैब से, किसी फ़ोन स्मार्टफोन से कम नहीं है। एक फुल ऑन स्क्रीन है और इसमें लाइटिंग के, यहाँ पर आपको रूफ लाइट आ रही है, यहाँ पर सीलिंग लाइट आ रही है। अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो AC का ऑप्शन है इसमें जो है वो, सीलिंग लाइट 2 की शैंडलियर की ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इसके जो है वो स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बड़े ही लग्जरी एंड यूनिक स्विचेस हैं। ये किचन की एंट्रेंस है बट हम आपको बाहर से किचन की तरफ लेके चलते हैं। तो चलिए पहले यहाँ से, अच्छा यहाँ से मैं मेंशन करना भूल गया कि यहाँ पर इसका स्लाइडिंग डोर है और स्लाइडिंग डोर भी बड़ा ही ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं इसका चैनल बहुत सॉफ्ट है और स्लाइडिंग डोर का डिज़ाइन बहुत मज़े का है। यहाँ से वापस हम लॉबी में आ गए और घर का फ्लो आपने देखा कि सर्कुलर मोशन में हम फ्लो के साथ चल रहे हैं। और ये आ जाता है इसका टीवी लाउंज, टीवी लाउंज भी अगर आप देखें तो फुल साइज़ का स्पेशियस टीवी लाउंज है। यहाँ से अगर आप देखें तो एक ग्लास पीसेज में चेस्ट पड़ी हुई है और साथ कुछ डेकोर आइटम्स हैं। 4K LED टीवी लगा हुआ है यहाँ पर और पीछे आपके टाइल्स हैं और ब्रास की स्ट्रिप्स हैं सेंटर में और नीचे इलेक्ट्रिक फायरप्लेस है। किचन की तरफ चलें तो किचन इसका बहुत ही खूबसूरत है, किचन में आपका वाइट कोरियन आ जाता है ब्लैक कलर में एंड वाइट कलर में और साथ ब्राउन के कुछ टचेस हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। यहाँ से आपका कोरियन का एक आइलैंड है, ऊपर स्टोव है और सिग्नेचर का फुली प्रोफेशनल स्टोव आ जाता है। यहाँ पर अगेन वही स्विचेज़ हैं जो आपको मैंने दिखाए और ये आ जाता है LK का पूरा वॉशिंग एरिया, वॉश बेसिन है इसका और ये इसकी कुछ कैबिनेट्स हैं
इसमें पेंट्री एरिया भी है, इसमें फ्रिज भी डबल डोर लगी हुई है। यहाँ से अगर आप चेक करें तो इसमें बेकिंग ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, यहाँ से हायर की डबल डोर फ्रिज है और अमेजिंगली इक्विप्ड फ्रिज है, और यहाँ से इसका है पेंट्री एरिया। ये भी कुछ घरों में होता है, आपको हर घर में नज़र नहीं आएगा। तो पेंट्री एरिया में इन्होंने रैक्स भी अच्छे दिए हैं यहाँ पर, और सॉलिड किस्म के स्टेनलेस स्टील में इसके जो हैं शेल्व्स हैं। तो और इसकी क्लोजिंग बहुत मज़े की है, सॉफ्ट क्लोजिंग है। तो ये था जी इसका किचन। ये आ जाता है इसका डर्टी किचन। तो यहाँ पर इसका आ जाता है वॉशिंग एरिया, और मर्करी मिरर्स के कुछ इसमें कैबिनेट्स हैं, यहाँ पर भी कैबिनेट्स हैं, और यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम है, और ग्लास का इसमें जो है वो स्टोव है। ये कुछ इसमें खूबसूरत किस्म के रैक्स आ जाते हैं। चलते हैं जी इसके दोनों बेडरूम्स की तरफ, उसके बाद आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाएंगे। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इस तक को इन्होंने कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट किया है, और यहाँ से आ जाता है चाइल्ड बेड। पर पहले हम मास्टर बेड में चलते हैं। ग्लास की कटिंग है, सेंटर में फ्लूटेड पैनल्स हैं, और ऊपर सीलिंग की जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत खूबसूरत है। वॉलपेपर जो इसमें सेलेक्ट किया इन्होंने, अगर आप वॉलपेपर क्लोजली दिखाएं तो वॉलपेपर बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका टेक्सचर, इसकी फील जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत फाइन क्वालिटी का वॉलपेपर है। यहाँ पर एक पेंटिंग आ जाती है, ये आ जाती है जी इसकी मीडिया वॉल, और मीडिया वॉल पर भी फ्लूटेड पैनल्स हैं जो कि इसको अगेन कॉम्प्लीमेंट्री, इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर कंसोल है मीडिया वॉल का, और साथ कुछ डेकोरेशन आइटम्स हैं, प्लांटर्स हैं। यहाँ पर बेड आएगा तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आ जाता है इसका वॉशरूम। मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में जकूजी दिया है, ये आप देख सकते हैं लेवल्स में कितना अच्छा काम किया हुआ है, और कोरियन की वैनिटी है। अगेन स्मार्ट मिरर सामने है, इवन सील्ड इसके जो है वो सिंक में इसके जो है वो हार्डवेयर लगा हुआ है। टिंटेड शावर कैबिन है, शावर कैबिन की भी बहुत खूबसूरत लुक है, और यहाँ पर टॉयलेट एरिया आ जाता है। ये आपकी वार्डरोब आ जाती है, वॉक इन क्लोजेट है, आपके वॉशरूम के साथ कनेक्टेड है। तो वॉशरूम भी इसका टॉप नॉच था। चलते हैं जी चाइल्ड बेडरूम की तरफ, और डोर्स की आप अगर क्वालिटी चेक करें तो सेंटर में एक्रेलिक का पीस है, और एश वुड के सॉलिड डोर्स हैं। और ये आ जाता है जी इसका चाइल्ड बेडरूम। चाइल्ड बेडरूम में वॉलपेपर जो है वो ये जो बेड आएगा इसमें तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा इसको। यहाँ पर एक ज़ेब्रा की पेंटिंग है, सीलिंग का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। वॉशरूम इसका अगर आपको दिखाएं तो बहुत ही स्मार्ट सा, यूनिक सा, क्वालिटी हाई क्वालिटी का वॉशरूम है। और एक यहाँ पर आपकी जो है वैनिटी है, वैनिटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने कुछ एरियाज़ दिए हैं। और साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका शावर कैबिन है, अगेन टिंटेड ग्लास है, तो ये जो बॉक्स बनता है बड़ा ही खूबसूरत बनता है। और यहाँ से इसका शावर कैबिन के अंदर आए तो आप देख सकते हैं टाइल्स हैं सामने, और ग्रोही का जो है इसमें एरिया है, और कोरियन के इसमें निश दी गई है, टॉयलेट एरिया आ जाता है। यहाँ पर इसकी जो है वार्डरोब्स हैं, वार्डरोब्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, और सॉफ्ट क्लोजिंग है। और ये आ जाती है इसकी वैनिटी, कंसील्ड इसमें जो है वो हार्डवेयर सिस्टम है। चलते हैं जी इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, आपको फर्स्ट फ्लोर भी दिखाते हैं। वापस हम टीवी लाउंज की तरफ से होते हुए ये इसका वापस स्टेयरकेस आ जाता है। स्टेयरकेस की जो बैक है वो बहुत ही खूबसूरत ट्रिपल हाइटेड बैक है, और यहाँ से आपका जो है वो फुली सॉलिड स्टेयरकेस जा रहा है। ऊपर तीन चैंडलियर्स हैं, और इसमें बेल्जियम के क्रिस्टल्स यूज हुए हैं। हम चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और आपको फर्स्ट फ्लोर चेक कराते हैं कम विद मी। तो फर्स्ट फ्लोर पे आते साथ ही आपको एक बड़ी ही ह्यूज किस्म की और ज़बरदस्त किस्म की वाइब आती है। आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडर ग्रेनाइट लगा हुआ है, और ग्रास क्लॉथ वॉलपेपर है पीछे। इसमें जो है मर्करी ग्लास में कटिंग्स हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की इन्होंने दो प्रोफाइल्स दी हैं साइड पे, और ये बेल्जियम के जो हैं क्रिस्टल्स के शैंडलियर्स हैं, तीन शैंडलियर्स हैं। लाइट के कलर्स भी चेंज होते हैं स्विच ऑन ऑफ पे। पीछे कैलीग्राफी पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की, ब्लैक एंड गोल्ड एंड ऑरेंज शेड है, और साइडों पे वुड के इसमें जो है वो इन्होंने दिए हुए हैं। टेम्पर्ड ग्लास की रेलिंग है, और साथ सॉलिड वुड लगा हुआ है। और यहाँ से अगर हम आएँ तो नीचे इटालियन टाइल्स हैं। ये आ जाता है इसका टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज भी अगर आप चेक करें तो मटेरियल्स जो इन्होंने यूज़ कर दिए हैं इस घर में वो किसी भी घर के मुकाबले से बहुत हाई एंड है। अगर आप यहाँ पर वॉल पे चेक करें तो इटालियन नोवा पेंट है, और साथ यहाँ पर देखें तो कस्टम पेंटिंग्स भी दे दी हैं। WPC शीट है, यहाँ पर एक छोटा सा लॉन्ड्री एरिया है, प्लांटर्स रखे हैं, डेकोर बहुत ही खूबसूरत है। अगेन शैंडलियर जो हैं वो बेल्जियन क्रिस्टल्स के हैं, और टेम्पर्ड ग्लास है सारा, सॉलिड वुड के डोर्स हैं, और जो इसकी हिंजेज हैं वो भी बहुत स्मूथ हैं। चलते हैं जी मास्टर बेड की तरफ, फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। और यहाँ से वॉकवे जो है, यहाँ से आपको टेरेस का व्यू बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। और यहाँ से अगर हम इधर चलें तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो वुडन फ्लोरिंग है वो इटालियन है, और बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पर एक बैक वॉल बेड वॉल बन जाती है। यहाँ पर आई थिंक किंग साइज़ का 10 फीट बैक वाला बेड आ जाएगा, और पीछे वेलवेट है, ब्लैक कलर में टफ्टिंग है वेलवेट में, और यहाँ पर स्टोन पेपर है, आई गेस या एक्रेलिक है, और इस पर नेचर का प्रिंट है, और पीछे LED लाइट्स हैं। यहाँ से अगर आपको वॉलपेपर दिखाऊं तो ये बहुत ही एलिगेंट वॉलपेपर है, और आई थिंक कैमरे में तो सिंपल फ्लैट टेक्स्चर्स नज़र आते हैं, बट जब आप इनको रियल में फील करते हैं तो इनकी क्वालिटी का आपको अंदाज़ा होता है। यहाँ पर दो स्क्वेयर आपके सामने ब्लैक एंड गोल्ड में पेंटिंग्स हैं, सेंटर में बेड के बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक सा शैंडलियर लगा हुआ है, साइड पे दो वॉल लैंप्स हैं, और पीछे मिरर लगा हुआ है, और इटालियन ब्रास की इसमें स्ट्रिप्स दी गई हैं। ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। इसके वॉशरूम की तरफ चल के देखते हैं, वॉशरूम आपको चेक कराते हैं। तो अगर आप वॉशरूम में आएँ
तो वॉशरूम की जो वाइब है वो बहुत ही अमेजिंग है। इसकी जो वैनिटी है वो सॉलिड, बहुत ही थिक वैनिटी है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इसने थोड़ा सा एसिमेट्रिकल डिज़ाइन पैटर्न दिया है। यहाँ पर वुड जा रही है और साथ ऊपर गोल्डन एंड ब्लैक में इसका जो है सिंक है, और यहाँ से वैनिटी में जो है वो कोरियन में सिंक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैनिटी है। पीछे स्पेनिश टाइल्स हैं, टाइल्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं। ये पोर्सेलन ओसा कंपनी की हैं और इसमें जो है वो विट्रा का और ग्रोही का हर जगह पर इसमें हार्डवेयर लगा हुआ है। स्मार्ट मिरर है एलईडी, और ये दो वॉल लैंप्स हैं। इनको अगर हम ऑन करें तो आप इस एरिया की वाइब चेक कर सकते हैं। ब्लैक कलर की मैट ब्लैक फिनिश में टाइल्स हैं, गोल्डन इटालियन ब्रास की जो हैं इसके हैंडल्स हैं, और सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस हैं। गोल्डन मर्करी मिरर है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो टॉयलेट एरिया आ जाता है। जो इसका शावर एरिया है वो बहुत डिफरेंट एंड यूनिक है। फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेड के अंदर जो वॉशरूम दिया है उसमें जकूजी भी दिया है, और यहाँ पर डुअल शावर सिस्टम्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की टाइल पीछे दी है, और कंसील्ड ग्रोही का रेन शावर सिस्टम है, और इस तरफ भी यहाँ पर कंसील्ड ग्रोही का रेन शावर सिस्टम है। और शावर के लिए जो वाटर की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने यहाँ पर दो ग्लास दे दिए हैं। और पीछे आप टाइल्स चेक करें तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक बनाया, बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है इस घर का। और नीचे जो वॉशरूम में टाइल्स हैं वो भी इटालियन टाइल्स हैं। चलते हैं जी बाकी बेडरूम्स की तरफ, और बाकी बेडरूम जाके चेक करते हैं कि बाकी बेड्स की तरफ क्या क्या है। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चलें तो आप देख सकते हैं इटालियन नोवा पेंट है और सामने पेंटिंग्स हैं। और यहाँ से हम सीधा अंदर जाएंगे तो आपके सामने वापस हम टीवी लाउंज में आ चुके हैं। यहाँ से टेरेस की एंट्रेंस है, एक स्टोर रूम है, सर्विस किचन आ जाता है। यहाँ पर सर्विस किचन में इन्होंने एक वॉशिंग सिंक दे दिया है, और बहुत ही खूबसूरत एलके का वॉशिंग सिंक है, और ऊपर प्रीमियम स्टाइल का नल लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ जो डेकोर्स रखे हैं वो बहुत एलिगेंट हैं। और शीट्स का अगर आप स्टाइल चेक करें तो एग्जैक्टली वैसा है जैसा इन्होंने वॉशरूम में टैलेंट टाइल्स का दिया है। सिग्नेचर का बहुत फुली फंक्शनल माइक्रोवेव ओवन है, कोरियन की इसकी जो है वो शेल्फ है। यह आ जाता है सेकेंड बेडरूम, और सेकेंड बेडरूम की अगर आप बैक वॉल चेक करें तो मर्करी मिरर्स हैं, और बहुत ही फाइनली कट इसकी जो है इन्होंने। यहाँ से अगर आप एजेस चेक करें तो एजेस पे क्वालिटी का अंदाज़ा होता है कि आप देख सकते हैं क्वालिटी कितनी खूबसूरत है। ये भी इटालियन वॉलपेपर है, और आप देखें तो इसकी जो फील है, टेक्सचर है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जो बटन्स हैं वो इन्होंने वन प्रेस बटन, सिंगल टच बटन्स हैं, और अगर आप इसको एक दफ़ा दबाएंगे तो पूरे वॉशरूम की जो लाइट्स हैं वो आपके सामने सारी लिट हो जाती हैं। और वॉशरूम की लाइट्स पूरी लिट होने के बाद जो वॉशरूम की एक फील आती है वो बहुत ज़बरदस्त है। स्मार्ट मिरर है, एलईडी स्मार्ट मिरर है, प्लस उसमें डीफॉगर भी है। और यहाँ से अगर हम डीफॉगर ऑन करते हैं तो इसकी फॉग खत्म हो जाएगी, कोरियन की वैनिटी आ जाती है। टिंटेड ग्लास दिया इन्होंने जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। आप यहाँ से अगर चेक करें तो टिंटेड ग्लास इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। शावर कैबिन का ग्लास है, और यहाँ से अगर हम अंदर आए शावर कैबिन के तो दो निशेज आ जाती हैं, प्लस यहाँ पर जो है वो अच्छी क्वालिटी की टाइल्स हैं, और रेन शावर सिस्टम लगा हुआ है। चलते हैं जी इसके बाकी बेडरूम्स की तरफ, और फिर टेरेस भी आपको दिखाते हैं। घर का हर एंगल जो है वो इन्होंने प्रॉपरली डिज़ाइन करके बनाया हुआ है। और ये आ जाता है इसका फर्स्ट फ्लोर का चाइल्ड बेडरूम, और चाइल्ड बेड भी अगेन मास्टर बेडरूम साइज़ का, अच्छे खासे साइज़ का बेड है। साइड पे दो स्विचेस आ जाते हैं, पीछे ब्रॉड लाइंस दी हैं इन्होंने, एंगुलर लाइंस दी हैं ताकि इसकी हाइट का भी अंदाज़ा हो आपको। यहाँ पर एक पेंटिंग आ जाती है, ऊपर एक कैलीग्राफी है, अरेबिक पेंटिंग है, और साथ यहाँ पे एक प्लांटर आ जाता है। नीचे वाइट कलर की टाइल्स हैं। यहाँ से चलें इसके वॉशरूम में, तो इसकी जो वैनिटी है वो बहुत ही यूनिक है। और आपने शायद MKBHD का रिव्यू देखा हो, इस तरह की एक डेस्क का, ये उसी स्टाइल में वैनिटी है, कोरियन में बनी हुई है, और साथ राउंड मिरर है, साथ वॉल लैंप्स हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी कॉम्पोजिशन इसकी इन्होंने बनाई है। पीछे यहाँ पर देखें तो टेक्सचर टाइल है, और साथ ऊपर शाइन में गोल्डन कलर में इस पर स्टार्स बने हुए हैं। टिंटेड शावर कैबिन है, और यहाँ से अगर हम अंदर आएँ तो शावर कैबिन की फील जो है, एक साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है, और इसकी जो फील है, यहाँ पर निश है ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर का ग्लास है, तो जो घर का कंट्रास्ट बनाया है वो बहुत ही यूनिक एंड ब्लैक एंड गोल्ड एंड बेज का बड़ा ही प्यारा फ्यूजन दिया है इन्होंने। यहाँ से टेरेस की एंट्रेंस भी आ जाती है, आप टीवी लाउंज से भी टेरेस की तरफ एंटर हो सकते हैं, और आप जो है वो या इस बेडरूम से भी टेरेस की तरफ एंटर हो सकते हैं। तो टेरेस पे अगर हम आएँ तो टेरेस आप चेक कर सकते हैं, पीछे टाइल दी है उन्होंने, और ऊपर इन्होंने प्लांट्स दिए हुए हैं, और रियल प्लांट्स हैं ये। यहाँ पर एक फायरप्लेस आ जाती है, और टेक्सचर टाइल दे दिया यहाँ पे। आप देख सकते हैं एस्ट्रोटर्फ की कितनी खूबसूरती से इन्होंने यूज़ किया है, और ऊपर गार्डन्स हैं, ऊपर एलईडी लाइट्स हैं, और पीछे ट्रेवेटिंग स्टोन लगा हुआ है। आउटडोर फर्नीचर पड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर भी आपका कुछ फर्नीचर आ जाएगा तो आपका टेरेस जो है वो बड़ा ही फंक्शनल टेरेस बन जाएगा। यहाँ से भी एंट्रेंस है आपके टीवी लाउंज की तरफ, और यहाँ से बेडरूम की तरफ एंट्रेंस है। तो चलते हैं जी अब इसकी बेसमेंट चेक करते हैं, बेसमेंट में जाके देखते हैं बेसमेंट में क्या है। तो बेसमेंट की तरफ अगर आप आएँ तो स्टेयर केस से होते हुए आपको व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। यहाँ पर अगेन वही ग्लास की जो कंटिन्यूटी है वो जा रही है, ऊपर ग्रास क्लॉथ वॉलपेपर है। यहाँ पर कुछ एस्ट्रोटर्फ में इन्होंने प्लांटेशन
दे दी है, और ये आ जाता है आपका बेसमेंट का सर्विस किचन जो कि फुल साइज़ का इन्होंने दिया है। इलेक्ट्रिक स्टोव है इसमें, प्लस इसमें जो है ऊपर कैबिनेट्स हैं, और नीचे इसमें देखें आप ड्रॉर्स दिए हैं। वॉशिंग एरिया आ जाता है, यहाँ पर एक फुल ऑपरेशनल माइक्रोवेव ओवन है, कुछ रैक्स हैं, यहाँ पर डेकोरेशन पीसेस आ जाएंगे। ये इसकी एक आउटडोर स्टाइल की, क्योंकि संकेन एरिया साइड पर है तो इसकी आउटडोर इन्होंने यहाँ पर सिटिंग दी है, आप चेक कर सकते हैं। आउटडोर फर्नीचर भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये भी एरिया को प्रॉपरली डेवलप किया है। नीचे बेसमेंट की जो लॉन्ड्री है वो भी ये यूज़ हो सकती है, प्लस यहाँ पर सनकेन एरिया तो सनलाइट भी यहाँ से अच्छी आती है, और विंडोज़ आप इन्होंने बेडरूम के साथ दे दिए ताकि आपको सनलाइट का इशू ना हो। पीछे ट्रेवेटीन लगा हुआ है, यहाँ पर भी ट्रेवेटीन है, एस्ट्रोटर्फ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इसके इन्होंने आउटडोर सेटिंग भी बना दी है। स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग डोर भी बहुत हाई क्वालिटी की है, और डबल ग्लेज विंडोज़ यूज़ किए हैं ताकि इसमें जो है वो साउंड प्रूफिंग रहे और आपको शोर कहीं से भी ना आए। ये है जी इसका सबसे मेन हाईलाइट फीचर, और यहाँ पर आ जाता है आपका सिनेमा। तो ये है जी इसका फुली लिट खूबसूरत किस्म का सिनेमा। अब मियाँ इमरान साहब के घरों की जो खास बात होती है ना वो ये होती है कि ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं करते। आपको इन्होंने यहाँ पर आई थिंक 7 रिक्लाइनर्स दिए हैं, और रिक्लाइनर सिंपल रिक्लाइनर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रिक्लाइनर्स हैं, और इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो सीटिंग है, जो पोस्चर है इनका, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यामाहा का साउंड सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्लोजली। यहाँ पर यामाहा का ओरिजिनल स्पीकर साउंड सिस्टम लगे हुए हैं, और 4K प्रोजेक्टर है जो यहाँ पर स्क्रीन प्रोजेक्ट करेगी, और इसमें मोटराइज्ड प्रोजेक्शन स्क्रीन है। तो इसकी LED प्रोफाइल लाइट्स बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ की हैं, एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पर एक बन जाती है, आपकी कॉम्पोजिशन बन जाती है। ऊपर रोल्स रॉयस स्टाइल की LED स्टार लाइटिंग है, और प्रोफाइल लाइट चेक करें तो अच्छा 3D सराउंड साउंड सिस्टम है यामाहा का इसमें, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी मॉनिटर्स हैं, यहाँ पर भी 2 मॉनिटर्स हैं, और इसमें जो ग्री का है वो इन्वर्टर लगा हुआ है, 4 इसमें पीछे रिक्लाइनर्स आ जाते हैं, पीछे LED प्रोफाइल लाइट्स हैं। तो ओवरऑल जो सिनेमा की क्वालिटी और लुक्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। चलते हैं जी इसके लास्ट बेडरूम की तरफ, उससे पहले आपको टीवी लाउंज दिखाते हैं। इसका बेसमेंट का ये बनेगा टीवी लाउंज, पीछे अगेन ग्रास क्लॉथ वॉलपेपर है, आप देख सकते हैं ग्रास क्लॉथ की फाइन फिनिश ग्रास क्लॉथ है, और साथ इसमें जो है यहाँ पर इन्होंने 2 पेंटिंग्स दे दी हैं। ये कुछ एरिया संकेन एरिया आ जाता है साइड से, और इसकी मीडिया वॉल जो है वो ये बन जाएगी, इस पर कोरियन की एजेस हैं, और ऊपर फ्लूटेड पैनल्स हैं, नीचे मीडिया वॉल का कंसोल है। यहाँ से वापस चलते हैं हम लास्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं, और आपको लास्ट बेड भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं पीछे कॉम्पोजिशन है, नियो क्लासिकल स्टाइल की कॉम्पोजिशन है, 2 टेक्सचर्ड पेंटिंग्स है, यहाँ पर प्लांटर आ जाता है, और एक खूबसूरत किस्म की जो है इसकी बेड वॉल आ जाती है। पीछे ग्लास है, ऊपर एचिंग हुई हुई है, और एचिंग के साथ यहाँ पर 2 वॉल लैंप्स हैं, और पीछे फ्लोटेड पैनल्स हैं, WPC के पैनल्स हैं जो कि आपके जो हैं वो ख़राब भी नहीं होते। और ये आ जाता है इसका वॉशरूम, फुल ऑन लग्जरी स्वीट स्टाइल का वॉशरूम है, इसमें LED लाइट्स हैं, और पंच स्टेप अप दें तो आप यहाँ पर जकूजी देख सकते हैं, जकूजी बहुत मॉडर्न स्टाइल का इन्होंने रखा है, और ऊपर इसका शैंडलियर आ जाता है। पीछे वॉल है, और यहाँ से आ जाता है इसका शावर कैबिन, यहाँ पर भी 2 मिरर्स हैं, और आप इसके ऑपोजिट साइड पर जाएँ तो यहाँ पर भी दोनों तरफ से मिरर्स आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कंसील्ड हार्डवेयर है, और साथ इसमें जो है फ्लोटिंग मिरर्स हैं, आप ऊपर से चेक करें तो फ्लोटिंग मिरर्स हैं इसमें, और इसका जो हार्डवेयर होगा वो नीचे से आया होगा। तो वैनिटीज़ बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ पे टॉयलेट एरिया आ जाता है, कुछ छोटी सी विंडो है पीछे, और मर्करी मिरर की इसमें जो है वो वार्डरोब्स हैं। आपका ओवरऑल वॉशरूम जो है वो ड्रेसिंग रूम के टाइप भी काम करेगा और वॉशरूम भी करेगा। तो ये था जी वन कनाल मॉडर्न हाउस बाय मियाँ इमरान साहब, और ज़बरदस्त फुली लग्जरी घर था, और इस तरह का घर जो है वो इस वक्त मार्केट में इस हाई क्वालिटी मटेरियल्स के साथ अवेलेबल नहीं है। और चलते हैं जी, आपको नेक्स्ट घरों में भी इंशाल्लाह मिलेंगे, और इस तरह के और घर भी लाते रहेंगे। अगर आपको ये घर ख़रीदना है तो नीचे नंबर आ रहा है हमारा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह का घर बनवाना है तो मियाँ इमरान साहब का मी होम्स बाय मियाँ इमरान का नीचे नंबर दे दिया गया है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफ़िज़।